आप सभी ने क्रूज कंट्रोल फीचर के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप एक कार ओन करते हैं या फिर एक आप कार ओन करना चाहते हैं तो आपने ऑलरेडी इस फीचर के बारे में रिसर्च किया होगा। हालांकि ये फीचर सिर्फ टॉप एंड कार में कार कंपनीज आजकल दे रही है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर मार्केट में क्रूज कंट्रोल आना शुरू हो चुका है। एक कंपनी है आहा नेक्स क्रूज, जो कि सारे कार ब्रांड्स के लिए क्रूज कंट्रोल का फीचर आफ्टर मार्केट में सेल कर रही है और बहुत ही बढ़िया कर रही है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज देखने के बाद मैंने इस प्रोडक्ट को आहा नेक्स क्रूज से खरीदा है। इसका नाम है नेक्स क्रूज। तो मेरे पास मेरी टाटा नेक्सॉन कार है, उसका मॉडल है XMS। और हमेशा से मुझे भी एक क्रूज कंट्रोल का फीचर मिसिंग लगता था, लेकिन आज नहीं लगा क्योंकि मैंने इस नेक्स क्रूज कंट्रोल को ले लिया है। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हम आज हमारे नेक्सॉन टाटा नेक्सॉन के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होता है और क्रूज कंट्रोल के क्या फायदे हैं और क्यों आपको एक क्रूज कंट्रोल कार में लगाना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा नेक्स क्रूज का बॉक्स, इसके सारे पेपर बनाते हैं। देख सकते हैं तो इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर नेक्स क्रूज के सारे कंपोनेंट्स आते हैं। तरीके से पैकिंग में आते हैं, ये देखिए। देखते हैं और क्या है बॉक्स के अंदर, कुछ पेपर वर्क के देखते हैं क्या है। ओके, तो आपको इस तरीके का वारंटी सर्टिफिकेट मिलता है, इसको साइड में रखते हैं। लिए यहाँ पे केबल सेट, डिस्प्ले एंड आरएक्स केबल। नेक्स्ट पार्ट है केबल सेट फॉर टाटा नेक्सॉन पेट्रोल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग द अल्टीमेट अपग्रेड फॉर योर बिलवड कार, द आहा नेक्स क्रूज स्टार्टिंग नाउ, यू आर इन द अनपैरेलल्ड कन्वीनियंस एंड सेविंग। तो इस तरीके से इन्होंने एक टेम्पलेट एक दे दिया है हमें। इसके अलावा हमारे पास नेक्स क्रूज का स्टिकर मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमें ये दो कार माउंट मिलते हैं, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा नेक्सॉन का जो भी स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और नॉर्मल मोड, ड्राइव मोड है, उसके डायल के ऊपर ये माउंट हो जाएगा। और इसके ऊपर ये वाला हमारा नेक्स क्रूज माउंट हो सकता है। और इन्होंने दूसरा माउंट दिया है जो कि स्टेरिंग माउंट है, जो नेक्सॉन के ऊपर एक खाचा है स्टेरिंग के, वहाँ पे इस 3D प्रिंटेड माउंट को आप यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ये फिट हो सकता है। तो दो माउंट्स इन्होंने दिए जो कि बहुत ही बढ़िया है। चलिए इसको भी हम खोल के देखते हैं कैसा है। तो ये रहा नेक्स क्रूज का डायल, जिससे आप सारे क्रूज कंट्रोल के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है मेन यूनिट जिसकी मदद से कार अपनी क्रूज कंट्रोल के फीचर्स एनेबल कर देती है। बहुत से आपको यहाँ पे केबल कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं कार के अंदर और देखते हैं कि ये हमारे नेक्सॉन के साथ किस तरीके से वर्क करता है। रही हमारे नेक्सॉन और चलिए इसमें इंस्टॉल करते हैं क्रूज कंट्रोल। तो अब हमें कार के अंदर और हम पूरा यूनिट लेके आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने हाउ टू इंस्टॉल और फर्स्ट ड्राइव का QR कोड दिया है, तो चलिए अपन हाउ टू इंस्टॉल का QR कोड स्कैन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉलेशन गाइड दिया है, लेकिन WhatsApp पे ऑलरेडी उन्होंने एक नंबर शेयर किया है जहाँ पे मुझे उन्होंने इंस्टॉलेशन का वीडियो भेजा है जो YouTube पे है। तो उनके हिसाब से अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पोर्ट को, इस जो मेन यूनिट है, इसको हमें साइड पर लेना है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे पहले, इसमें क्या है देखते हैं। के अंदर एक केबल सेट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट मोड है, जैसे स्टेट, क्रूज, FN मोड एंड स्पीड लिमिट, यस लिमिट बोलकर यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये बेसिकली यहाँ पे जाएगा डैशबोर्ड पे, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा ताकि हमें लाइट्स दिख सके। और ये बेसिकली हमारे इस यूनिट से कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम बाद में करते हैं, उन्होंने चलो इसको भी खोल लेते हैं, इसी पैकेट को भी मैंने फाड़ के रखा है। एक मिनट में इसको ओपन करता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। तो ये जो यूनिट है ये शायद OBD पोर्ट बोलकर है, यहाँ पे रहता है अपने, तो वहाँ पे ये लगेगा। चलिए इसको लगाते हैं, पहले हम इसको इसमें लगाते हैं जो मेन यूनिट है वहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिन सिर्फ यहीं पे लगेगा और कहीं पे भी लग नहीं सकता, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही ऐसी पिन है, जैसे हमारे लैपटॉप या मॉनिटर के यहाँ पे पहले VGA पोर्ट होता था उसी टाइप का है ये भी। तो हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ये लग गया, ये पोर्ट इजीली लग गया। बाद में आप इस स्क्रू को टाइट कर सकते हैं, ये जो स्क्रू है यहाँ पे इसको टाइट कर लीजिए बाद में। अब नेक्स्ट हमें ये खोलना है, इसको हमें खींचना है तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना वाइट कलर का, ये OBD पोर्ट है जिसमें ये लगेगा पिन जो अभी अभी हमने कनेक्ट किया। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं। तो ये OBD पोर्ट लग गया यहाँ पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं एक फर्स्ट लाइट भी लग रहा है, जल रहा है 12 वोल्ट का। तो ये जैसे कि वीडियो में उन्होंने बताया था उस तरीके से हमने इसको सेटअप कर दिया है। चलिए नेक्स्ट सेटअप करते हैं। तो गैस अभी हम नेक्स्ट ये सेंसर हम कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पिन है, और इसमें भी यहाँ पे एक ही पोर्ट है जिसमें 6 पिन है, तो ये पोर्ट यहाँ पे लगेगा। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लग गया और मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। तो इंस्टॉलेशन इजी है, कोई भी पोर्ट किसी भी इसमें नहीं लग सकता, एक एक वायर है जो सेम पिन में ही लगेंगे, आपको सिर्फ ये पिन काउंट करना है और लगाना है। तो नेक्स्ट वायर लगाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला है 4 पिन का जो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, तो ये भी लग गया, तो ये लग गया यहाँ पे। तो इसको टाइट कर लीजिए अच्छे से। अब बचे और 2 पोर्ट, इसमें से शायद एक ही लगेगा और एक एम्प्टी बचेगा। तो जो BS4 है उसके लिए ब्रेक सेंसर मिलता है जो कि इसमें से एक में लगेगा, लेकिन ये BS6 गाड़ी है तो इसमें ब्रेक सिग्नल उनको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, उन्होंने इन्फॉर्म किया है, तो एक शायद एम्प्टी रहेगा। तो ये रहा 5 पिन जो कि इसमें लगेगा, तो मैं इसको भी लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये भी लग गया, ये कुछ बाईपास स्विच है उन्होंने बोला, तो इसका यूज़ मुझे पता नहीं है, मैं उनसे कॉल करके बाद में पता करूँगा। तो ये सब लग गया, एक पिन एम्प्टी बचा हुआ है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्रूज का यूनिट कनेक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको एक ध्यान रखना है, जैसे इस वायर पे लिखा है पोर्ट बी, तो ये यहीं पे जाएगा पोर्ट बी पे, और इस यूनिट पे लिखा हुआ है पोर्ट ए जो कि यहाँ पे लगेगा, NC पोर्ट है, और इस वायर पे लिखा गया है पोर्ट सी, तो ये जाएगा यहाँ पे पोर्ट सी में। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको वायर पे जो भी टैग लगा है उसी वायर को उसी पोर्ट में लगा देना है। और यहाँ पे लिखा है NC OBD पोर्ट, तो ये जो यहाँ पे भी आप टैग पे देख सकते हैं OBD पोर्ट लिखा हुआ है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ही ईजी कनेक्शन बन सकता है। तो ये सब बन गया है। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेलरेटर के यहाँ पे एक वायर है जहाँ पे हमें इसको लगाना है, तो चलिए उसको लगाते हैं। तो गाइस ये एक्सेलरेटर पैडल है यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर आपको यहाँ पे जो क्लिप दिख रहा है ये वाला, इसको खोलना है। ये एग्जैक्टली ऐसे है, एग्जैक्टली ऐसे होता है, तो आपको इसको खोलना है। तो मैं दिखाता हूँ, तो ये जो क्लिप है वो एक्सेलेटर पे कार पे लगाए, तो इसको आपको प्रेस करना है ऐसे, ये ऐसे खुलेगा जब आप इसको प्रेस करेंगे, तो ये ऐसे ओपन होगा यहाँ पे।
तो ऐसे प्रेस करके वहाँ से एक्सेलेरेटर पेडल से खोल के वहाँ पे ये वाला कनेक्टर को कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं वहाँ का वीडियो तो दिखा नहीं सकता, लेकिन इस तरीके से खोलना है। तो गाइज़ मैंने बड़ी मुश्किल से एक्सेलेरेटर के ऊपर ऐसा वाला पिन था उसको इस तरीके से दबा के निकाला है, तो निकल तो गया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे और एक प्लग है ये, तो जो हमने वहाँ पे इस तरीके का वायर निकाला है वहाँ पे एक्सेलेरेटर के ऊपर वाला, उसको इस वायर से कनेक्ट करना है, और ये वायर जो एक्सेलेरेटर के ऊपर पिन है उसको कनेक्ट करना है। तो बेसिकली हम बाईपास कर रहे हैं। तो चलिए जहाँ पे एक्सेलेरेटर के ऊपर जो अली से इस तरह की वायर है यहाँ पे लगाएंगे इसको, और ये जहाँ से है वो प्लग इन हमने निकाला वहाँ पे ये पिन लगेगी। तो मैं ये करता हूँ, ये वीडियो में यहाँ पे दिखा नहीं सकता, वहाँ पे बहुत कोने में है वो दिख भी नहीं पाएगा। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइज़ फाइनली मैंने एक्सेलेरेटर का जो भी प्लग था उसको मैंने बाईपास कर दिया है, इसको यहाँ से लगा दिया है। बाईपास का मतलब वही है कि वहाँ पे जो प्लग था वो निकाल के जो मैंने अभी दिखाया था ये वाले जो प्लग्स थे वो मैंने लगा दिए। अब यही है, मैंने ये ओबीडी पिन फिर से निकाला था कि मैं यहाँ से इसको लेके यहीं पे इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये लग गया, अभी हमारा पूरा इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे एक मिनट। तो हमारा इंस्टॉलेशन पूरा हुआ है, तो हम इस नेक्स्ट क्रूज को यहाँ से यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने इंस्टॉलेशन वीडियो में बताया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको रख दूँगा। तो गाइस देखिए बहुत ही आसानी से बराबर यहाँ पे इस प्लेस में बैठ गया है नेक्स्ट क्रूज, और जो रेड कलर का जो बटन है वो भी एक्सेसिबल है। वो क्या है मुझे पूछना है, मैं कॉल करके पूछूंगा उनसे और यही पे इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हमें इस सेंसर को इस जगह से निकाल के यहाँ से मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो चलिए लगाते हैं इसको। हेलो गाइस, तो ये सेंसर यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे जो सॉफ्ट मटेरियल दिख रहा है ना ये कपड़े जैसा, तो यहाँ पे बहुत बहुत सी जगह है यहाँ पे, तो इजीली यहाँ से वायर यहाँ तक आ जाती है देखिए यहाँ से। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सी जगह है, यहाँ पे यहाँ से बहुत इजीली ये वायर यहाँ पे आ जाती है। तो ये पूरा सेंसर भी हमारा यहाँ पे आ गया है, ये रहा सेंसर, तो यहाँ पे उसको चिपका देंगे। तो चलिए क्रूज कंट्रोल स्टार्ट करके देखते हैं इसको, इसका तो काम हो गया, मैं इसको लगा दूँगा। हेलो गाइस, तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, गाड़ी एक्सेलरेट भी हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट ब्लू कलर का आ गया है, मतलब हमारा क्रूज कंट्रोल एक्टिव है, ऐसे उन्होंने बताया, मैंने अभी कॉल किया था उनको। तो ये चल रहा है, अभी जब भी हम गाड़ी चलाएंगे और क्रूज मोड में डालेंगे, यहाँ पे हमारा डायल है क्रूज मोड में डालने के लिए, हमें ये दबाना है। जब भी वो क्रूज मोड में जाएगा तो गाड़ी क्रूज मोड में चलेगी जो भी स्पीड है, तो उसको भी हम टेस्ट करेंगे। इसके पहले हम मैं बता देता हूँ कि ये ऐसे कप होल्डर में आता है, तो अगर आपके गाड़ी में कप होल्डर है तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं कप होल्डर के अंदर। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो दो डायल आपको मिलते हैं, एक ये वाला डायल और एक ये वाला डायल। ये वाला डायल तो इसके ऊपर बैठ जाएगा ऐसे, और इसके ऊपर ये बैठेगा, मतलब इसको खोलना है तो इसके ऊपर ये बैठेगा ऐसे इस तरीके से। तो आप स्पोर्ट्स मोड ये सब भी एक्टिवेट कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप यहाँ से निकाल के ये जो माउंट दिया है इन्होंने ये यहाँ पे बैठेगा, हाँ इस तरीके से बैठेगा यहाँ पे देखिए, ये जो डायल है यहाँ पे बैठेगा, ये हमारा डायल इस पे बैठेगा। तो इस तरीके से स्टेयरिंग पे ही ये डायल माउंट हो जाएगा। थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ इस तरीके से,
तो इसमें एक बटन, यहाँ पे बहुत सारे बटन हैं, ये जो है एक क्रूज को ऑन करेगा जब भी स्पीड जाएगा। ये स्पोर्ट्स मोड है, ये इको मोड है, ये बटन यूज़ में नहीं है, ये भी बटन यूज़ में नहीं है, और ये रिज्यूम क्रूज मोड बटन है। तो हम रिज्यूम क्रूज मोड, क्रूज और स्पोर्ट्स एंड इको मोड, ये सब चार बटन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राइव करके क्रूज कंट्रोल काम करता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्पीड लेके गया हूँ 29-30, मैंने यहाँ पे क्रूज बटन दबा दिया, क्रूज मोड पे है, मैंने पैर भी हटा दिया है, आप देख सकते हैं मैंने पैर भी हटा दिया है, ठीक है, फिर भी गाड़ी यहाँ पे चल रही है 30 स्पीड पे, इट इज़ इन क्रूज कंट्रोल। अब मैं डायल से स्पीड बढ़ाता हूँ, एक ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ रही है, स्पीड घटाता हूँ, ये देखिए स्पीड अपने आप घट रही है, देखिए, तो ये डायल का भी काम कर रहा है। अभी भी गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल पे, अभी भी मैंने पेडल नहीं रखा है, तो गाड़ी अपने आप चल रही है क्रूज़ कंट्रोल पे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता हूँ, ये देखो अपने आप स्पीड बढ़ गया, क्रूज़ कंट्रोल पे है। जैसे ही मैं अभी ब्रेक दबाता हूँ, देखिए क्रूज़ कंट्रोल बंद हो जाएगा, देखिए ग्रीन कलर बंद हो गया। जैसे कि आपने देखा कि ये कितना ईजी था ये नेक्स्ट क्रूज इंस्टॉल करना, और आहा नेक्स्ट क्रूज टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत ही कार कंपनियां नाराज तो होने वाले हैं, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और ये नेक्स्ट क्रूज किसी भी कार ब्रांड में, मोस्टली ऑल कार ब्रांड्स में लगता है, और किसी भी मॉडल्स में ये फिट होता है। तो अगर आपके पास टॉप एंड मॉडल नहीं है तो आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस गैजेट को यूज़ करके आप अपने कार को एक क्रूज कंट्रोल का फीचर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने नेक्सॉन XMS को क्रूज कंट्रोल ऐड किया है, और आपने देखा ही है ये कैसे अच्छी तरीके से अभी तो वर्क कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे फीचर है, जैसे स्पीड लिमिट और वो सब, उसके लिए हमें इनका नेक्स्ट क्रूज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ पे रजिस्टर करके फिर हम वहाँ से ब्लूटूथ के जरिए हम स्पीड वगैरह सेट कर सकते हैं। एक बार स्पीड सेट हो गया तो फिर हम वो जो स्पीड लिमिट का बटन है नेक्स्ट क्रूज डायल के ऊपर, उसको यूज़ करके हम स्पीड लिमिट ऑन ऑफ कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सब बहुत सारे फीचर है। तो आगे जाके मैं इस क्रूज कंट्रोल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाते रहूँगा, और आपको सब अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, जिसके पास भी नेक्सॉन है या फिर कोई भी एक लेटेस्ट BS6 कार है या BS4 भी कार है, उनके लिए भी इन्होंने नेक्स्ट क्रूज बनाया है। तो मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और ये लोग इस चीज़ को अल्टो में भी शायद लगाया है, ऐसे मैंने वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे। तो नेक्स्ट क्रूज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब हम बात करते हैं प्राइस की, तो ये कितने में पड़ा। तो मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 25,000 में ये नेक्स्ट क्रूज मुझे पड़ा है। इसके साथ इन्होंने मुझे दो माउंट्स दिए, एक तो डायल माउंट है, एक स्टेयरिंग माउंट है, और एक कप होल्डर माउंट तो बाई डिफ़ॉल्ट इसके साथ आता है। तो इतना मिला है, मुझे 18 मंथ्स का वारंटी मिला है इसके साथ, नेक्स्ट क्रूज के साथ। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो आपको 18 मंथ का वारंटी मिलेगा, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको डायल माउंट्स भी वो लोग भेज देंगे। तो ये था नेक्स्ट क्रूज के बारे में वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो क्रूज कंट्रोल के बारे में आप कमेंट में पिन कीजिए, तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सप्लोर लर्न ट्रैवल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।